नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपनी चर्चा करेंगे CISF हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 से संबंधित। तो खेल कोटा के अंतर्गत CISF हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। तो जानेंगे भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि इसके लिए जरूरी योग्यता क्या रखी गई है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत कौन कौन सी गेम रखे गए हैं, स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत जरूरी जो सर्टिफिकेट उसके बारे में क्या बात कही गई है। तो संपूर्ण बिंदु पर अपने लाइन टू लाइन चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा अवश्य देख ले ताकि आपको एक आवेदन के दौरान किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। यदि वीडियो वास्तव में उपयोगी लगती है तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल चिनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो CISF भर्ती 2021 हेड कांस्टेबल। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF हेड कांस्टेबल GD अर्थात जनरल ड्यूटी भर्ती 2022 की जो अधिसूचना है वो 249 पदों के लिए जारी कर दी गई है। यह भर्ती अभियान पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जा रहा है, यानी कि इसमें महिला और जो पुरुष कैंडिडेट है दोनों भाग ले सकते हैं यदि आप स्पोर्ट्स कोटे से जुड़े हुए हो। अब देखते हैं इसकी आधिकारिक अधिसूचना। तो डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये जारी किया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसकी देर क्या है, क्लोजिंग डेट देर क्या है 31 मार्च 2022 और क्लोजिंग डेट फॉर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसके लिए जो डेट देर क्या है वो 7 अप्रैल 2022 तक ये आवेदन की अंतिम डेट इसके अंतर्गत रखी गई है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेरिटियस स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन टू द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 2021 इन CISF यानी कि स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत ये जनरल ड्यूटी हेड कॉन्स्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। पदों की संख्या पर ऑलरेडी अपनी चर्चा कर चुके हैं कि 249 पदों पर ये भर्ती जारी विज्ञप्ति जारी की गई है। अब अपनी चर्चा करते हैं इसके अंदर गेम कौन कौन से रखे गए हैं जिनके जो कैंडिडेट है इसमें भाग ले सकते हैं। तो देखिए आप इसमें दे रखा है एथलीट के अंदर दे रखा है 100 मीटर 200 800 1500 इस प्रकार से ये अलग अलग इसमें गेम के टाइप बता रखे हैं। और इधर दे रखे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज और ये रहेगी पुरुष के लिए और साथ में ही दे रखा है वोमेन के लिए। तो वोमेन के लिए भी गेम के बारे में बता रखा है 100 मीटर 200 1500 10 किलोमीटर वॉक जेवलिन थ्रो लॉन्ग जंप हाई जंप पोल वॉल्ट और ये इधर दे रखा है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो ये रहेगी महिला के लिए और ये रहेगी पुरुष कैंडिडेट के लिए। तो ये होगी एथलीट से संबंधित। फिर अपनी बात करें आगे तो आगे दे रखा है बॉक्सिंग। यदि आप बॉक्सिंग से रिलेटेड कैंडिडेट हो तो आप देख सकते हो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी की बात की गई है। ये कही गई है पुरुष के लिए और इधर कहा गया है महिला कैंडिडेट के लिए। तो एथलीट बॉक्सिंग फिर अपने बात करें आगे तो इसमें आगे रखे फिर कहा गया है इसमें बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक फुटबॉल हॉकी हैंडबॉल जूडो और इधर महिला के लिए भी बता रखा है गेम जो जिसमें बता रखे हैंडबॉल के अंदर जूडो के अंदर कबड्डी राइफल स्विमिंग इसी प्रकार से ये सब गेम के बारे में अलग अलग डिटेल में इनमें बता रखा है स्विमिंग वॉलीबॉल और वेट लिफ्टिंग रेसलिंग और फिर अपनी बात करें तो आगे दे रखा है ताइक्वांडो मेन के लिए इसमें दे रखा है। तो कुल मिला के बात करें अपने तो जो महिला के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 68 रखी गई है और पुरुष की बात करें तो 181 पद। तो कुल मिला के ये भर्ती 249 पदों पर इस प्रकार से इन गेमों के अंदर यदि आप आपके पास आपने नेशनल या इंटरनेशनल जो भी अपनी चर्चा करेंगे उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ आपके पास मेडल है तो आप जरूर इसके लिए बाकी योग्यता देखकर आवेदन कर सकते हो। तो हम पूरी प्रोसेस पर चर्चा करने वाले हैं। फिर अपने बात करें तो ये तो होगी वैकेंसी से संबंधित जरूरी जानकारी। अब अपने बात करें इसमें तो इसमें वेतन आपको कितना दिया जाएगा तो इसमें कहा गया है हेड कांस्टेबल GD पे मैट्रिक लेवल 4 25,500 रुपये से लेकर के और 81,100 रुपये तक ये आपका जो वेतन है इसके अंतर्गत रखा जाएगा 25,500 से 81,100 रुपये। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्नर बाय द न्यू स्ट्रक्चर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पोजिशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद द इफेक्ट 1/1/2004। तो ये बाकी जानकारियां दे रखी है लेकिन अपने जो जरूरी जानकारी है एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर इसमें पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है जो योग्यता का क्राइटेरिया उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। तो एज लिमिट की बात की गई है इसमें 18 से 23 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और यहाँ पर जो काउंटिंग की जाएगी वो 1/8/2021 तक इसमें गणना की जाएगी। इसके अलावा अपने बात करें तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार छूट भी प्रदान की गई है। जैसे यहाँ पे रिलेक्जेबल अप टू 5 ईयर फॉर SC ST के लिए 5 वर्ष और 3 वर्ष OBC कैंडिडेट के लिए और 40 ईयर के एस द डिपार्टमेंट कैंडिडेट एस द यानी कि जो सर्विस इसके अंतर्गत कार्यरत है उसके लिए भी अलग अलग ये इसमें छूट प्रदान
की गई है, तो इस बारे में ये जानकारियाँ दे रखी है, तो आप इसको भी अच्छी तरह से देख सकते हो। अब अपने बात करें इसमें अन्य जानकारी पे, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखी गई है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया, 12th फास्ट फॉर्म में रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद द क्रेडिट ऑफ रिप्रेजेंट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल इन गेम स्पोर्ट्स एंड एथलीट, यानी कि आप कक्षा 12वीं पास होनी चाहिए हो। इसके अलावा आपने राज्य या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर प्रतियोगिता या खेल में भाग लिया हो, स्पोर्ट्समैन के तौर पर या एथलीट के तौर पर। फिर इसमें आगे कहा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो हाइट एंड चेस्ट, तो मेन के लिए हाइट आल फोर आल कैंडिडेट के लिए 167, और टेस्ट की बात करें तो मेन के लिए 81 to 86, और वोमेन के लिए हाइट की बात की गई है 153, और चेस्ट के लिए नॉट एप्लीकेबल इसमें कहा गया है। इसके अलावा इसमें छूट के बारे में कह रखा है कि जिन विद्यार्थियों को, जैसे अपने अपनी अभी अपने बात करी थी एज के बारे में, SC ST OBC के लिए अलग अलग छूट की बात करी थी, उनके लिए जिन अभ्यर्थियों को इसमें छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है, या फिर इसमें जो जानकारियां दे रखी है इसके बारे में कहा गया है कि इनके लिए हाइट रखी जाएगी 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करें तो 81 to 86, अगर वोमेन के तौर पर बात करें तो 153 हाइट, और जो चेस्ट है उसकी बात की गई है नॉट एप्लीकेबल। फिर अपने ये तो होगी फिजिकल स्टैंडर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब अपने बात करें तो आगे इसमें और क्या जानकारियाँ इस बारे में दे रखी है, तो हाइट एंड चेस्ट के बारे में जिस पे ऑलरेडी अपने चर्चा कर चुके हैं, और बाकी इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आई साइट संपूर्ण जानकारियाँ आप देख सकते हो यहाँ पे दी हुई है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, जो आपकी आंखों की विजुअलिटी है वो क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, उस बारे में संपूर्ण जानकारियाँ दे रखी है, और वजन के बारे में इस बारे में कुछ कह रखा है, और टैटू अगर आपकी बॉडी पर कोई टैटू है तो उस बारे में भी इसमें बता रखा है। तो जो मुख्य जानकारी है उस पर एक बार अपने चर्चा कर रहे हैं, बाकी जानकारियां आप इसको जो आधिकारिक और जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रत्येक जानकारी को डिटेल में भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार अपने वीडियो के माध्यम से जो मुख्य जानकारी आपके लिए उपयोगी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर अपने बात करें तो जो प्रोफेंसी इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहा गया, जो जरूरी सबसे बात है वो इसमें, तो इंडिविजुअल यानी कि आपने व्यक्तिगत तौर पे अगर भाग लिया है तो इसमें कहा गया शुड हैव रिप्रेजेंट द कंट्री एज द मेंबर ऑफ सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, यानी आपने सीनियर या जूनियर प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आपने व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल कहा गया भाग लिया हुआ है, या शुड हैव द मेडल विनिंग परफॉर्मिंग इन सीनियर जूनियर नेशनल गेम चैंपियनशिप, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पे तो आपके बारे में इसमें कहा गया कि आपने भाग ले रखा हो उस बारे में कहा है, लेकिन नेशनल लेवल पे कहा गया है कि मेडल आपने कोई जीता हो सीनियर या जूनियर कैटेगरी के अंदर। और फिर अपने पॉइंट नंबर थर्ड में कह रखा है शुड हैव रिप्रेजेंट ए स्टेट और इक्विवेलेंट यूनिट इन द नेशनल गेम्स नेशनल चैंपियनशिप इन सीनियर या जूनियर लेवल, यानी कि राज्य स्तर पर या फिर राज्य के प्रेजेंट के तौर पर आपने राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया हुआ होना चाहिए। एनी मेडल इन द ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन, यानी कि आपने कोई मेडल जीत रखा हो जो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के अंदर। गोल्ड मेडल इन नेशनल स्कूल गेम्स, यदि आपने नेशनल स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप के अंदर मेडल जीत रखा हो व्यक्तिगत तौर पे, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये तो हो गया इंडिविजुअल इवेंट की बात। अब अपने बात करें टीम इवेंट के अंदर, यानी कि आपने किसी टीम के साथ भाग ले रखा हो जिस गेम के बारे में भी चर्चा की थी, तो शुड हैव रिप्रेजेंट कंट्री एज द मेंबर ऑफ सीनियर या जूनियर, यानी कि कंट्री में आपने कंट्री की टीम की तरफ से आपने सीनियर या जूनियर के तौर पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आपने भाग ले रखा हो, ये सेम रखा गया। इसमें मेडल आपने जीत रखा हो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंतर्गत, या फिर नेशनल गेम या चैंपियनशिप के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया हो। मेंबर ऑफ मेडल विनिंग टीम, यानी कि आप जो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जो टीम विजेता है उसके मेंबर रहे हो, या फिर आपने आपकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता हो स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप के अंदर, ये रखा गया टीम इवेंट के अंतर्गत। तो ये जरूरी जानकारी रहेगी आपके लिए आवेदन करने के लिए, यदि आप इन सब इनमें से किसी भी योग्यता को पूरा करते हो तो आप इसके लिए आवश्यक रूप से आवेदन कर सकते हो। फिर इसमें आगे कहा गया है, इसको अपने देख लेते हैं आगे क्या कह रखा है। आगे इसमें कहा गया है कि गेम, जो गेम की बात की गई है, आपने ये जो चैंपियनशिप है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/1/2019 to 31 मार्च 2022 इन लास्ट एडिशन ऑफ एनी टूर्नामेंट कंपटीशन गेम इज एप्लीकेबल विल द एलिजिबल फ्रॉम द अप्लाइंग दिस पोस्ट, यानी कि आपने इस दौरान इस अवधि के मध्य मध्य आपने किसी भी जो अपने बात करी थी गेम के अंदर पार्टिसिपेट या व्यक्तिगत तौर पे या टीम के तौर पे कर रखा होना चाहिए। दिनांक दे रखी है 1 जनवरी 2019 से लेकर के और 2022 मार्च तक, इस दौरान कोई भी प्रतियोगिता हुई है चाहे वो आपने व्यक्तिगत भाग लिया है और चाहे आपने टीम के तौर पर भाग लिया हुआ है, चाहे इंटरनेशनल चाहे नेशनल चाहे यूनिवर्सिटी गेम के अंदर, और आपने कोई मेडल या भाग लिया है, तो इस समय के बीच में यदि आपने किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, योग्यता हो आपके पास है, आप आवेदन कर सकते हो।
अब अपने बात करें आगे, तो इसमें कह रखा है द डिटेल्स ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ अवार्डिंग सर्टिफिकेट आर यू अंडर, यानी कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आप उसमें देख सकते हो कि कौन सी जो अथॉरिटी ने आपको ये जारी किया हुआ है, इनमें से आप कोई भी देख सकते हो जिसके जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको इस जो दे रखा है इसमें ए बी सी डी इस प्रकार से इसमें आपको जो प्रायोरिटी दी जाएगी। सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कंसर्न इसके द्वारा, या फिर अलग अलग ये सब जानकारियाँ भी आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इसका गेम का आपके पास है तो। अब अपने बात करें आगे, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा जाएगा। अभी अपने पहले योग्यता के बारे में बात करी, फिर गेम से संबंधित जो जरूरी बातें उन पर चर्चा करी। अब अपने सिलेक्शन प्रोसेस, यदि आपने आवेदन कर दिया है और आपके पास सब योग्यता है, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रखा जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कह रखा है इसमें कि आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म आपको जो भर के, और ये बिल्कुल ऑफलाइन लगेगा, और इसका जो एड्रेस है वो अभी हम आपको आगे बता देंगे, उस पर आपको पते भी भेजना है। उसके बाद में दे विल बी असाइंड रोल नंबर, जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, योग्यता आपके पास पूरी होगी, तो उसके बाद में आपको एक रोल नंबर जारी किया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा रिक्वायरमेंट प्रोसेस के तहत, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अर्थात PST लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा। उसके बाद में बात करें तो फिर आपका ट्रायल टेस्ट किया जाएगा, पहले आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, फिर आपका ट्रायल टेस्ट, उसके बाद में प्रोफाइल से ही टेस्ट ये आपका लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीन चार प्रोसेस इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की रखी जाएगी। इसके बारे में डिटेल में भी दे रखा है कि फिजिकल टेस्ट में क्या कुछ करवाया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST में संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हो, इस बारे में भी अच्छी तरह से बता रखा है कि क्या कुछ इसके अंतर्गत करवाया जाएगा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी, फिजिकल टेस्ट होने के बाद में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करवाया जाएगा, तो उस बारे में भी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। प्रत्येक बिंदु को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद में आपका ट्रायल टेस्ट करवाया जाएगा, इस बारे में जानकारी दे रखी है, और उसके बाद में एफिशिएंसी जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा उस बारे में यहाँ पे बता रखा है। और फिर अपनी बात करें तो आगे क्या कह रखा है इसको भी देख लेते हैं। ड्रा ऑल फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट, यानी कि ये सब प्रोसेस होने के बाद में एक फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और उसके बाद में बात करें तो गेम के बारे में ऑलरेडी अपने चर्चा कर चुके हैं कि आपका आपने कोई भी पार्टिसिपेशन है वो 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में किया होना चाहिए, इससे संबंधित आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद में प्रायोरिटी इसमें रखी गई है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर यदि आपने फर्स्ट गोल्ड विनर या सेकंड सिल्वर विनर या थर्ड ब्रॉन्ज विनर, या फिर नेशनल की बात करें तो फर्स्ट गोल्ड विनर, सेकंड सिल्वर विनर और थर्ड ब्रॉन्ज मेडल, इनको ज़्यादा यानी कि मुख्य रूप से प्रायोरिटी इसके अंदर दी जाएगी। फिर आपको इसमें बता रखा है कि आपको हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो आपका जो फीस रखा जाएगा इसके अंतर्गत, फीस है वो आपका 100 रुपये रखा जाएगा, और यदि आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। और आपको क्या करना है अभी आपको प्रारूप दिखा देंगे, इसके अलावा प्रारूप आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सीनियर क्लासेस को ज्वाइन करके ये पूरा जो इसका ऑफिशियल अधिसूचना है इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे साथ में आपको 2-3 पेज का प्रारूप भी उसके साथ डाउनलोड मिल जाएगा। तो उसको आपको भर के, और आपको अलग अलग एड्रेस पे इसको जो एड्रेस जिसके अकॉर्डिंग जो आपका गेम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें जो एड्रेस भरना है और उसके अकॉर्डिंग आपको भेजना है। तो ये अलग अलग परफॉर्मा दे रखे हैं उसको आपको भर के और भेजना है। तो इसके बारे में अपनी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे कि अपने बात करें, आप बास्केटबॉल के अंतर्गत हो और आप इसमें गेम में, तो आपको क्या भरना है ये इसका देखिए बता रखा है इसमें। इसमें कह रखा है नेम ऑफ द ऑफिसर टू वोम एप्लीकेशन शुड बी सेंड, यानी कि जहाँ पे आपको भेजना है। पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट ऑन द अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी रिक्वायरमेंट टू बी ड्रा ऑन फेवर, यानी कि ये जितनी भी जो आपको आवश्यक जानकारियाँ चाहिए होगी पोस्ट भेजने के लिए, डाक भेजने के लिए, वो सब जानकारियाँ दे रखी है। तो ये देखिए आपको अलग अलग बता रखी है, बास्केटबॉल के लिए जिमनास्टिक हो तो उसके अंतर्गत, फुटबॉल, हॉकी, ये सब जानकारियाँ इसमें दे रखी है। ये पूरा प्रारूप आपको वहाँ से मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम से, तो ये सब जानकारी इसमें बता रखी है। स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, तो आपको क्या क्या एड्रेस भरना है, कहाँ पे भेजना है, सब जानकारियाँ तो इस प्रकार से, और भेजने का जो प्रारूप है वो भी इसमें बता रखा है, ज़रूरी जो दिशा निर्देश है वो भी इसमें बता रखा है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। और फिर अपने बात करें तो ये रहेगा इस प्रकार से, आपको ये प्रोफॉर्मा इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, आपको इसका हार्ड कॉपी निकालना है, और निकालने के बाद में आपको भरना है, और जो भी आवश्यक जानकारी इसमें मांगी जा रही है वो आपको अटैच करनी है। अटैच करने के बाद जो हार्ड कॉपी है वो आपको हमने अभी बताया एड्रेस के अनुसार जिस भी गेम से आप रिलेटेड हो उसका नाम भर के उसके अकॉर्डिंग जो पता बता रखा है उसको भरना है और आपको सेंड कर देना है। तो ये पूरा प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सीनियर क्लासेस पर
आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ज्वाइन करके, और पूरा डाउनलोड करके अच्छे से निर्देश पढ़ सकते हो, सब जानकारियाँ अच्छे से क्लियर करने के बाद में इसको भरें और आराम से आप इसको भेज सकते हो। अंतिम डेट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, मार्च 2022 तक, और यदि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हो तो आप अप्रैल तक भी इसको भेज सकते हो। तो ये थी इससे संबंधित जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ और पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें। तो मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक।